भागलपुर के गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे को एसआईटी की टीम ने धर दबोचा है। गौरतलब हो कि जदयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल समेत चार लोगों पर जमीनी विवाद को लेकर गोली कांड में वारंट जारी किया गया था। इसी बाबत आज एसआईटी की टीम ने तिलकामांझी सतला स्थान के पास से गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल को धर दबोचा। कुछ दिन पहले गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल ने अपने बिग डैडी रेस्टोरेंट में धूमधाम से क्रिसमस का सेलिब्रेशन किया था। बड़बोले नेता गोपाल मंडल के बेटे ने कहा था कि मेरे पिताजी किसी से नहीं डरते और मैं भी किसी से नहीं डरता। उसका यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने एक दिन पहले ही मीडिया से मुखातिब होकर कहा था कि जमीनी विवाद के तहत गोली कांड में अभियुक्त गोपाल मंडल का बेटा आशीष मंडल को जल्द गिरफ्त में लिया जाएगा और 24 घंटे के अंदर ही उसे पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया। गोपाल मंडल की पत्नी सविता देवी ने कहा कि मैं नगर निगम के चुनाव के तहत मेयर पद की प्रबल दावेदार हूँ, मेरा मेयर बनना सुनिश्चित है। लोगों को इससे परेशानी हो रही है और मेरी राजनीतिक करियर में दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे चुनाव में खलल डालने के लिए विरोधियों ने ऐसा किया है। मेरा बेटा निर्दोष है, उन्हें प्रशासन बिना वारंट के पकड़ कर ले गई है, यह कहीं से सही नहीं है। मेरा जो चुनाव है, चुनाव की हानि करने के लिए इसीलिए ले गया जबरदस्ती। किसको? मेरा बेटा को उठा कर ले गया। क्या नाम बेटा? आशीष है। मतलब वजह पता है? कोई वजह नहीं, कोई वजह नहीं, कोई वजह नहीं, कोई वजह नहीं, खामखा फंसा है, खामखा फंसा, इनका घर से ले गया है। और हमको भी कोई सोचा, मेरे घर में आके पुलिस, हम घर में नहीं थे और आके घर में घुस गया बिना कहे, बिना पूछे, बिना वारंट, बिना वारंट, बिना कोई सूचना। बताइए कैसा ये प्रशासन का। तिलकामांझी के सतला स्थान रोड के समीप विधायक गोपाल मंडल की पत्नी के प्रचार प्रसार का कार्यालय था। वहीं आशीष मंडल प्रचार की तैयारी में लगा हुआ था, तभी पुलिस आई और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वहीं मकान मालिक राजेश कुमार पांडे, जिनके घर में यह कार्यालय चल रहा था, उनका कहना है कि पुलिस बिना पूछे किसी नोटिस के आई है, गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल को पकड़ कर ले गई है, यह कहीं से सही नहीं है। भागलपुर के एसपी शुभम आर ने कहा कि विधायक गोपाल मंडल के बेटे के अलावे अन्य चार और अभियुक्त हैं, जिन्हें हम लोगों ने कई दिनों से चयनित कर रखा है। आज चुनाव कार्य से विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष तिलकामांझी के एक भवन में कुछ कार्य में लगे हुए थे, तभी हमारी एसआईटी की टीम ने उसे धर दबोचा। जल्द ही और अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। कि जैसे ही हमें सूचना मिली कि 1181 जो केस है बराड़ी के, उसके जो प्राथमिक अभियुक्त थे वो अपने घर से बाहर निकल के चुनाव कार्य के लिए बाहर आए हुए थे। जैसे ही हमने जो अपनी गठित टीम थी वो तुरंत मौके पर पहुंची और विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी सुनिश्चित की। सर, और अन्य जो नामजद हैं सर, उनकी गिरफ्तारी? अन्य नामजद अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी ही त्वरित तरीके से की कर ली जाएगी और उस पर पूरी छापामारी टीम अभी पूरी सक्रिय तरफ से उसमें लगी हुई। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी सर? आगे अभी माननीय न्यायालय में उपस्थापन कराया जाएगा, उसके बाद में विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल परिसर में। कहाँ से गिरफ्तार किया गया सर? ये को चुनाव कार्य के लिए गए थे, एक बिल्डिंग से वहाँ पे थे, उसमें गए हुए थे और चाय पी रहे थे, चाय वहाँ से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी में कौन सी टीम शामिल थी सर? भागलपुर नगर निगम के लिए कल यानी 28 दिसंबर को मतदान होना है। 27% मुस्लिम बहुलता वाले वोटर के बीच मेयर और उप मेयर का चयन दिलचस्प होने वाला है। नगर निगम भागलपुर में कुल 3,37,321 मतदाता है, जबकि मेयर पद के लिए 9 प्रत्याशी, डिप्टी मेयर के लिए 10 प्रत्याशी और 51 वार्ड के लिए पार्षद के लिए कुल 212 प्रत्याशी मैदान में हैं। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, एसडीओ संजय कुमार के अलावे कई वरीय पदाधिकारियों ने मतदान में जिन कर्मियों एवं अधिकारियों को लगाया है, उन्हें सबौर कृषि विश्वविद्यालय के डीएवी पब्लिक स्कूल प्रांगण में कई बातों का दिशा निर्देश देते दिखे। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि भागलपुर नगर निगम के तहत मेयर, उप मेयर, पार्षद के शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सभी कर्मी व अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है, जिसे हम लोगों को ढंग से पूरा करना पड़ेगा, जिससे शांतिपूर्ण मतदान हो पाए।
वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने कहा कि हर बूथ पर संवेदनशीलता बनाए रखनी है। वहीं उन्होंने कहा, डीजीपी का कहना है कि अगर कार्य के दौरान अनजाने में कोई गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके ईमानदारी में कोई उंगली ना उठा सके। वहीं कर्मियों और अधिकारियों से उन्होंने कहा कि खाने पीने का सामान अपना रखना है, किसी का लेकर नहीं खाना है, ईवीएम ले जाते समय भी रुकना नहीं है, ना ही किसी के घर जाना है, इन सभी बातों का ध्यान रखना है। एसएसपी ने कहा कि हर बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात रहेंगे। बिहार में कोविड के मरीजों के मिलने के बाद सरकार अलर्ट हो गई है। इसको लेकर अस्पतालों में लगे ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भागलपुर जिले के सदर अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा व अन्य डॉक्टर कर्मियों ने ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल किया। वहीं दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज में अस्पताल अधीक्षक असीम कुमार दास ने ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल किया। इसके बाद दोनों जगह अस्पतालों में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में बेड की उपलब्धता व ऑक्सीजन सिलेंडरों को देख साथ ही उचित दिशा निर्देश दिए गए। प्लांट में घंटे भर मॉक ड्रिल कर ऑक्सीजन की मात्रा को देखा गया। शुरुआती दौर में मॉक ड्रिल सफल रहा, हालांकि हर घंटे टेक्नीशियन के द्वारा इसकी जांच की जा रही है। शाम तक फाइनल रिपोर्ट तैयार कर विभाग को भेज दिया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने बताया कि मशीन सही से चल रही है, हर बेड तक ऑक्सीजन पहुंच रहा है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयां सभी पर्याप्त मात्रा में है। अभी जिले में एक भी मरीज नहीं है, लेकिन अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। आज 4 बजे तक मॉक ड्रिल करेंगे, घंटे दो घंटे में मात्रा जांच करते रहेंगे। प्रखंड के अस्पतालों में भी बेड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं मायागंज अस्पताल अधीक्षक असीम कुमार दास ने बताया कि हम लोग कोविड-19 के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। बेड के साथ साथ ऑक्सीजन और दवाइयां भी उपलब्ध है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के आदेश के बाद भागलपुर के सदर अस्पताल में 60 बेड का कोविड डेडिकेटेड आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। वहीं JLNMCH में 30 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। दौरान शुरुआती प्रारंभिक क्या बातें सामने आई है? देखिए, मॉक ड्रिल के दौरान हमारे यहाँ 3 ऑक्सीजन प्लांट है, तीनों में हम लोग एक एक करके गए। सबसे पहले LPA 300 में गए और 300 का बिल्कुल नॉर्मली फंक्शन कर रहा है और ऑक्सीजन सप्लाई का जो सेचुरेशन होना चाहिए और प्रेशर, ये सारा चीज नॉर्मल रेंज में है जो हम लोग को चाहिए। मोर देन 90% ऑक्सीजन सेचुरेशन और फ्लो रेट भी अच्छा है, जो प्रेशर से हम यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर फिलअप भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंटली हम लोग फिलअप नहीं कर रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ उसका कुछ लाइसेंस होता है जो हमने लिख के भेजा है, जो अब तक नहीं मिला है, तो इसलिए हम लोग उसको डायरेक्ट वार्ड में सप्लाई कर रहे हैं। तो कितना बेड तैयार है आपके पास ऑक्सीजन के साथ? ऐसा है कि हमारा, आपको पता है कि पिछले ही कोरोना फेज में हमारे यहाँ लगभग 450 मरीज भर्ती थे विद जो ऑक्सीजन बेड पर थे, तो वो 450 तो है ही हैं। उसके अलावा कोरोना के अलावा अन्य मरीज भी हमारे यहाँ उस समय इलाज हो रहे थे, हालांकि ये कोविड हॉस्पिटल था। तो इस तरह से 550 मरीज में 550 बेड्स पर तो ऑक्सीजन है फ्लो अच्छा तरीके से। और अभी कोई संदिग्ध मरीज तो दूर दूर तक कहीं कोई संदिग्ध मरीज कोरोना का अभी फिलहाल कितना बेड तैयार है कोरोना अगर अभी अब तो चूँकि अब अभी सूचना मिली है तो हम लोगों ने इनिशियल फेज में 30 बेड को कोरोना के लिए आरक्षित किया है और सारी फैसिलिटी को वहीं लगाया है अभी, और रिक्वायरमेंट होगा तो फिर हम लोग 30 बेड और बढ़ाने के तत्काल बढ़ा सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे ज़्यादा ना हो। अदरवाइज इलाज के दृष्टिकोण से हम लोग पूरी तरह से लैस हैं, व्यवस्था हाँ हाँ सारी मशीन की जांच कराई थी, स्टार्ट भी करा के, और हर बेड पर ऑक्सीजन पहुंच रही है ना, और हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और आपका ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में, तो यहाँ कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सर, कोरोना की जो आहट है उसको लेकर सदर अस्पताल कितना तैयार? एकदम 100% तैयार है, और अभी हमारे ज़िले में केस तो नहीं है, लेकिन हम लोग एकदम तैयार है, सारी व्यवस्था एकदम उन्होंने पूर्ण कर ली है, कोई दिक्कत नहीं है। बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर सब सारा है पर्याप्त मात्रा में, आपने देखा भी ऑक्सीजन सिलेंडर है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट में सर किसी तरह को ना ना, अभी तो आज दिन भर चलेगा, 4 बजे तक हम लोग करेंगे और हर 3 घंटे पर नापेंगे उसका, तो प्योरिटी तो 93% से अबव अभी।
अहले सुबह भागलपुर रेलवे स्टेशन से दो संदिग्ध चोरों को भागलपुर स्वर्णकार संघ के सदस्यों के द्वारा भागलपुर रेलवे स्टेशन पर धर दबोचा गया। दरअसल बांका के अमरपुर स्थित प्रकाश ज्वेलर से देर रात 150 ग्राम सोना, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 7.5 लाख की है, चोरी हो गई थी, जिस पर दुकानदार नीरज पुद्दाल के द्वारा अमरपुर थाने में चोरी की घटना को लेकर मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें दुकान में काम करने वाले 3 कर्मचारियों पर चोरी का आरोप लगाया गया था। वहीं व्यापारियों के द्वारा भागलपुर स्वर्णकार संघ को भी चोरी के आरोपियों का फोटो भेजा गया था, जिसको लेकर सुबह से ही स्वर्णकार आरोपियों की तलाश कर रहे थे, जिसमें से 2 आरोपियों को स्वर्णकारों ने स्टेशन चौक के पास पकड़ लिया और उसे कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। इन लोगों का कहना है कि दुकान में काम कर रहे कर्मचारी के द्वारा सीसीटीवी कैमरे का भी तार काट दिया गया था और ये लोग यहाँ सोना बेचने के लिए आए हुए थे, लेकिन स्वर्णकारों के हत्थे चढ़ गए। वहीं पुलिस अब दोनों चोरों से पूछताछ कर रही है। अमरपुर पुलिस को भी इसकी सूचना दे दी गई है। बोला जाए क्या मामला है? मामला ये है, कल की घटना है, ये अमरपुर बांका जो अलंकार ज्वेलर प्रकाश ज्वेलर्स है, उनके 3 स्टाफ थे दुकान के, वो कल शाम को रात्रि में सीसीटीवी का कैमरा काट के उनके दुकान से जेवर 150 ग्राम लगभग चोरी किए हैं। तो वहाँ पर जो रात को घटना हुई थी, सुबह यहाँ पर भागपुर सूचना हुई कि सर ऐसे ऐसे बात हुई अनिल जी, हम लोग ने पूरी सोनापट्टी में जो भी हमारे जो ग्रुप था सब में उसकी लड़के की फ़ोटो भेजी गई थी कि ऐसे ऐसे कांड हुआ है अमरपुर में। तो वहाँ से अमरपुर के जो दुकानदार है 2-3 आदमी यहाँ पर आए हैं अभी, और उस सुबह से इसको खोज रहे हैं कि ये पता चला कि भागपुर आए हैं सोना बेचने के लिए। फिर जैसे पता चला तो वो 2 आदमी यहाँ स्टेशन चौक में पकड़ा है इन लोग को, 2 आदमी को, जैसे ये बंदे ने जो पकड़ा है इसको उसी दिन में पुलिस वाले यहाँ पर आके इनको पकड़ लिए कि क्या बात है। फिर पता चला कि ये ऐसे ऐसे ये अभी यहाँ से जो अमरपुर से सोना लेके जेवर लेके भागे हैं, ये कांड हुआ है, वो अभी ये जो स्टेशन चौक में जो फाड़ी है उसमें वो अभी वो अंदर में है, और अभी थाना कदवाल थाना की गाड़ी आ रही है और उसको वहाँ पर लेके जाएगी। सोना 150 ग्राम था, जेवर था, सोना नहीं था। लगभग हो गया ना आप 7.5 लाख हो गया लगभग। 7.5 लाख? हाँ सर। तो क्या अभी जो पकड़ाने के बाद उसके पास से मिला है? वो तो अभी अंदर जाने नहीं दे रहे हैं पुलिस, अभी अंदर जाने नहीं दे रही क्या बात है, वो थाना गाड़ी आ रही है उसकी छानबीन होगी क्या बात है, मगर सोना है उसी के पास है। आवेदन दिए थे थाना में? अमरपुर में ये जो दुकानदार है वो आवेदन दिए थे अमरपुर में। नाम बता दिया? मेरा तो अनिल कटेल है, उप सचिव भागलपुर जिला स्वर्णकार संघ। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के जहांगीरा गांव के समीप आपसी विवाद ने पिस्टल की बट से मार कर एक युवक का सिर फोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, शरारती तत्व ने हत्या की नीयत से युवक पर एक गोली भी चला दी। गोली युवक के आंख के नीचे से छूकर निकल गई, जिसके कारण घायल युवक के आंख के नीचे गहरा जख्म हो गया। युवक की पहचान सुल्तानगंज के पुरानी दुर्गा स्थान गली नंबर 5 निवासी सोनू तिवारी के रूप में हुई है। पुलिस ने घायल अवस्था में युवक को इलाज के लिए सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सोनू की स्थिति गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है, हालांकि घटना का स्पष्ट कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। भागलपुर के नौगछिया पुलिस जिला के प्रबत्ता थाना क्षेत्र के गरैया गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में दोनों पक्षों से 16 लोगों के घायल होने की सूचना है। सबों का इलाज नौगछिया अनुमंडल अस्पताल में कराया गया। जानकारी मिली कि विजय यादव अपना घर बना रहे थे, जबकि सहेंदर यादव का कहना है कि उनकी जमीन पर ही घर बनाया जा रहा है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले विवाद हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। ग्रामीणों ने बताया कि उक्त जमीन विवाद की कई दिनों से गांव में पंचायती की जा रही थी, लेकिन दोनों पक्ष अपनी जिद पर अड़े हुए थे। घटना की सूचना मिलते ही प्रबत्ता थानाध्यक्ष मौके पर पहुंच गए थे। थानाध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों से आवेदन दिए जाने के बाद मामले में कार्रवाई की जाएगी। साहेबगंज भागलपुर रेलखंड के सबौर रेलवे स्टेशन के पश्चिम केबिन के पास देर रात ब्रह्मपुत्रा मेल ट्रेन की चपेट में आने से गोपालपुर के रहने वाले दीपक कुमार की मौत हो गई। सुबह जब लोगों ने सबको देखा तो इसकी जानकारी रेल पुलिस सहित परिजन को दी गई। परिजनों ने मृतक की पहचान की। वहीं रेल पुलिस सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आसपास के लोगों का कहना है कि युवक विक्षिप्त था और रेलवे पटरी पर रात में बैठा हुआ था। वहीं ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है।
भागलपुर में युवक को रंगदारी नहीं देने पर छुरा मारकर बदमाशों ने घायल कर दिया। मामला सहकुंड थाना क्षेत्र का है, जहां एक जुगाड़ गाड़ी चलाने वाले युवक मोहम्मद रज्जाक से डब्लू नामक बदमाश ने रंगदारी की मांग की थी, लेकिन रंगदारी के रुपये नहीं देने पर जान से मारने के उद्देश्य से डब्लू ने रज्जाक के सिर पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। उसकी पत्नी के साथ भी मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। न्याय की गुहार लगाने के लिए आज पीड़ित पक्ष वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम से मिलने पहुंचे थे।